हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एनालिटिक को कैसे सेटअप और इंस्टॉल करना है अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये चैनल पर आपको ऐसे टिप्स और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी लिटरली। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं गूगल एनालिटिक मैंने गूगल पर टाइप कर दिया है और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। आप सीधा अपना गूगल एनालिटिक टाइप करके आप यहाँ पे आ सकते हो और आपको फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, फर्स्ट टाइम कमर हो, तो यू हैव टू साइन अप। अगर पहले से आपने कर रखा है सो ग्रेट, अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो यू नीड टू साइन। अब मुझे क्या करना है, मेरी वेबसाइट का हुआ पड़ा है, मुझे अपनी दूसरी वेबसाइट का साइन अप करना है, मतलब सेटअप करना है। साइनअप भी मैंने कर रखा है। बेसिकली क्या है, मैंने सब कुछ रिमूव करा है, मैंने बिल्कुल दोबारा से फ्रेश से स्टार्ट करा है, तो कोड सेटअप करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ मेरा कोड वेबसाइट में नहीं लगा है तो ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या करना है यार, मैंने वन साइड में अपनी वेबसाइट खोल ली है, सेकेंड टाइम में मैंने गूगल एनालिटिक खोल लिया है। अब कैसे सेटअप करते हैं ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमें जाना है एडमिन सेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे हमें जाना है क्रिएट प्रॉपर्टी, बल्कि प्रॉपर्टी आ रही है हमारी, ये देखो प्रॉपर्टी पहले से ही बनी है, हमें इसका कोड लेना पड़ेगा एक्चुअली बेसिकली। अगर अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर्टी वहां से कॉपी वो करना है अपना, क्रिएट प्रॉपर्टी करके आपको यहाँ पे अपना ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपके पास भी सेम डैशबोर्ड आएगा जैसे मेरे पास आया था। सेम आपको ट्रैकिंग कोड पिक करना है अपना, ट्रैकिंग कोड जो मैंने आपको लिया है, ठीक है, यही आपको कोड अपना साइट के हेड सेक्शन में पेस्ट करना है। तो जैसे मैं आप यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं अपीयरेंस में जाऊँगा और थीम में जाऊँगा, सॉरी थीम एडिटर में, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी क्या करना है मुझे, जस्ट यहाँ पे हेडर सेक्शन देखना है, अगर आपको हेडर दिख रहा है तो आप मुझे बताइए। हेडर भी एचटीएमएल मिल गया, देखो मुझे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कोड लगा हुआ है मैटर गूगल वेरिफिकेशन का, ठीक है, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, मैं इसके नीचे दूसरा कोड लगाता हूँ अपना गूगल साइट इसका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट अपडेट फाइल करनी है और दैट्स इट, वहाँ पे मेरा डेटा आने लग जाएगा। आई डोंट नो अभी आएगा नहीं आएगा, बट हाँ आफ्टर फ्यू डेज, वन और टू डेज बैक, आफ्टर वन टू डेज मेरे पास डेटा आने लग जाएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी वहाँ पे सेटअप कर दी है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप देख सकते हो। अगर मैं 90 डेज की बात करूँ तो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं रेफर करेगा, ट्रैक नहीं करेगा, वो शायद आ भी जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोड होगा तो आएगा डेटा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है। गूगल एनालिटिक की मेरी एक अलग से वीडियो होगी, आप देख सकते हो, और वीडियोज़ आती भी रहेगी टॉपिक के ऊपर पूरा, मैंने एनालिटिक्स में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ वीडियोज़ बनाई भी हैं, वो भी आप देखिए जाके, और मैंने गूगल सर्च कंसोल का भी सेटअप बताया, आप वो भी देख सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, एडमिन में जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो प्रॉपर्टी बना रखी है, वन प्रॉपर्टी काउंट करा है ना ये, नहीं तो ऑल तो बस आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट प्रॉपर्टी पे जाना है आपको। क्रिएट प्रॉपर्टी का अपना नाम, जैसे मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग प्लेस दे दिया, मैंने सागर दे दिया, ठीक है। आपको टाइम जोन चूज़ करना है, यहाँ पे इंडिया, करेंसी, ठीक है, नेक्स्ट करना है। कुछ भी सिलेक्ट कर लो, नहीं कुछ भी तो नहीं, मतलब लेट्स गो, मैं इंटरनेट टेलीकॉम कर रहा, यहाँ पे बिजनेस साइज करके मतलब सब कुछ आपको करना है पड़ेगा, ये एक तरह से डेटा अबाउट योर बिजनेस मांग रहा है। उसके बाद आप ये सारी डिटेल फिलअप करोगे,
यहाँ पे वेब पे जाके आपको अपनी वेबसाइट डालनी है, तब आपका सेटअप हो जाएगा। देखो ये आ गया ना, तो मुझे उसमें नहीं जाना था, मुझे तो इसी पे रहना है। तो गाइस आपने देख लिया होगा कैसे मैंने इंस्टॉल करा, जस्ट प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होती है, वहां से आपको ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी यार, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।